हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं कि स्नान करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि नमक डाल के नहाओ तो इससे नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। देखिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि अगर हम नहाते हैं तो सारी गंदगी दूर हो जाती है अपने आप। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती कि मैंने कोई उपाय देख कर ये काम किया है या मेरी शनि की महादशा है। मेरी बॉडी बहुत डिहाइड्रेशन रहती है, तो जब मैं मॉइस्चराइज़र लगाती थी तो देखा कि बहुत फिर से ड्राई हो रही है स्किन, तो मैंने सरसों का तेल लगाना शुरू कर दिया कि सरसों का तेल लगाना है नहाने के बाद। ये कब होता था, जब मुझे अपने बचपन की याद आती है कि हमारी मम्मी हमको सरसों का तेल लगाती थी नहलाते हुए, तो इसलिए कि हमारा ड्राइनेस ना हो। अब इसको शनि के साथ जोड़ दिया गया है कि अगर आप बीमार रहते हो तो आप जिस दिन आप नहाते हो, हर रोज़ नहाते हो, तो शनि का आप ये उपाय करो कि तेल लगाओ। लेकिन रीज़न यही है, हमारे शरीर में नमी बरकरार रखने के लिए तेल लगाया जाता था, क्योंकि पहले तो लोशन वगैरह होते ही नहीं थे। अब क्या है कि नमक डाल के नहाना, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों बोला गया है। क्योंकि अगर हमारे पैर दर्द होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप पानी ले लीजिए गुनगुना, उसमें आप पैर डालिए ताकि वो दर्द को खींच सकें। सिकाई बोलते हैं, नमक की सिकाई बोलते हैं इसको। और फ्रेग्रेंस के लिए अगर आपको यूडिक्लोन यूज़ करना है तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो नेचुरल क्या है कि आप नहाने के पानी में नींबू के छिलके डाल लो। अभी जैसे इतनी गर्मी है, पसीना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई ये रेमेडी है, इसका मतलब ये कि आप अपनी साफ़ सफाई रखना चाहते हो। फिर एक और तरीका है कि रात को गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में भिगो दो, सुबह उसी पानी से नहाओ। अब ये नहीं ये मंगल का उपाय है, इससे आपका कर्जा उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी बॉडी में फ्रेशनेस रहे, रिफ्रेश रहे आपकी बॉडी। और ये सब भ्रम है कि, लेकिन हाँ, स्नान के चार तरीके माने जाते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है कि सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना चाहिए। फिर दूसरा देव मुहूर्त माना जाता है, जस्ट 8-8:30 जो स्नान करते हैं। फिर तीसरा माना जाता है प्रेत का, 12-2 बजे नहाते हैं। फिर कुछ लोग पिशाच का मानते हैं जो रात को नहाते हैं। तो फौरन में तो क्या है, देखिए सुबह उनको टाइम एक्यूरेसी चाहिए होती है, उनको टाइम से पूछो, वो लोग रात को ही नहा के सोते हैं। लेकिन देखिए वो इकॉनमी कितने आगे हैं हमसे, और आज हम इन मिथ्स को अभी तक मानते हैं। आपका जब दिल करे आप नहाए, और जो डालकर नहाना चाहते हैं नहाए। इसको प्लैनेट से मत जोड़िए, इसको किसी रेमेडी से मत जोड़िए। नहाना तो हमारे गंदगी को निकालता है, मतलब इतना पसीना आता है, नहाए वगैरह तो कोई भी नहीं रहता। आप दिन में 4-5 बार नहाए, लेकिन इसके पीछे उपाय कोई नहीं है कि स्नान करते हुए भी इन बातों का ध्यान रखना है, किसी बात का ध्यान नहीं रखना। आनंद से नहाइए, मजे से नहाइए, और साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि कोरोना अभी भी दोबारा आ रहा है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, सच के साथ जुड़े रहें, इन भ्रमों से दूर रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और भ्रम को तोड़ने के लिए।